दिल्ली टू पंजाब कुछ बड़ा होने वाला है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कातिल कौन है, पंजाब पुलिस सभी तक ये पता लगाने में नाकाम है। लेकिन इसी बीच पंजाब में गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई है। नीरज बवाना गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। इस धमकी के बाद नीरज बवाना गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई है। नीरज बवाना ग्रुप ने इंस्टाग्राम में धमकी दी है कि दो दिन में रिजल्ट दे देंगे। सिद्धू मूसेवाला हमारा दिल का भाई था। नीरज बवाना गैंग के साथ टिल्लू ताजपुरिया गैंग और दविंदर बम्बीहा गैंग ने भी हाथ मिला लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या पंजाब में गैंग वॉर होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 48 घंटे के भीतर बड़े गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। दो दिन के भीतर रिजल्ट दे देंगे। आप ये जो पोस्ट देख रहे हैं, ये एक इंस्टाग्राम पोस्ट है। सिद्धू मूसेवाला हमारे दिल का भाई था, दो दिन के भीतर रिजल्ट दे देंगे, जिसका सीधा मतलब तो ये निकलता है कि अगले कुछ घंटों में दिल्ली से लेकर पंजाब तक कहीं भी कोई बड़ी गैंग वॉर हो सकती है। हालांकि इसके कनेक्शन की अगर बात करें तो तमाम तरह की बातें और ऐसे ही पोस्ट सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर, इंस्टाग्राम पर सामने आ रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये बदला लिया गया है मूसेवाला को मौत के घाट उतारकर, क्योंकि पिछले साल जो सोपू कार्यकर्ता की मर्डर हुआ था उसका बदला लिया गया है। और अब देखिए एक और धमकी भरा ये इंस्टाग्राम मैसेज सामने आया है। पंजाब में गैंग वॉर की आशंका इसी के बाद लगातार बढ़ रही है। अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे अभय का रुख करेंगे। अभय, अब हम क्या मान के चलें, जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट और इस तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं, पंजाब में गैंग वॉर शुरू हो सकता है? देखिए ज्योत्सना, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं, चाहे हम फेसबुक की बात करें या इंस्टाग्राम की बात करें। असल में पिछले काफी समय से जो मुख्य गैंग है, चाहे हम नीरज बवाना गैंग की बात करें या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें, इनकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर कि इनके नाम से एक नहीं बल्कि कई सारे अकाउंट हैं। अब जो नीरज बवाना का जो ग्रुप है, ये पुराना ग्रुप है, और इस इंस्टाग्राम के ग्रुप में ये धमकी दी गई है कि 48 घंटों के अंदर जो है बदला लेंगे, इस तरह की बात इसमें कही गई है। और कुछ और लोगों के पोस्ट भी नीरज बवाना इस ग्रुप की तरफ से लगातार दी जा रही है। इसी तरीके का एक पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से भी दिया गया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि जिम्मेदारी ली थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। लेकिन ज्योत्सना, क्योंकि कई सारे सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो इन लोगों के नाम से बने हुए हैं, इनमें से कितने असली अकाउंट्स हैं, कितने इनके फैंस के अकाउंट्स हैं, ये सारी चीजें अभी जो जांच एजेंसियां हैं वो अभी इसकी पूरी जांच कर रही हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह की धमकियों से एक दहशत का माहौल जरूर है दिल्ली से लेकर पंजाब तक। ऐसा है, जितने गैंग ऐसा है तो पुलिस इस मामले में क्या कर रही है, इन पोस्ट लिखने वालों के बारे में क्या तफ्तीश कर रही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हों, बम्बीहा गैंग के हों, नीरज बवाना गैंग के हों, इन पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया है अभी तक? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि एक बड़ा गैंगस्टर है, उसे तिहाड़ जेल से इस वक्त कस्टडी में लिया है पुलिस ने, स्पेशल सेल ने 5 दिन की कस्टडी में लिया है। उसके ऊपर ये आरोप है कि उसने ही गोल्डी बरार के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची है। तो फिलहाल उससे लगातार पूछताछ जारी है, और जितने सोशल मीडिया के ये पेजेस निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल है, IFSO यूनिट जो है, वो इस पर नजर बनाए हुए है, और ये चीजें चेक की जा रही है कि क्या ये अकाउंट असली है या फिर कोई इसी तरीके से माहौल खराब करने के लिए पोस्ट ये डाल रहा है। क्योंकि चाहे अच्छा, नीरज बवाना की बात करें, इन अलग अलग गैंग के बीच जो गैंग वॉर चल रहा है, जो बदला लेने की कोशिशों की बात कही जा रही है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। लेकिन मीनाक्षी, सवाल इस लिहाज से भी खड़ा होता है कि पंजाब के जो सिंगर्स हैं उन्हें क्यों लग रहा है कि उनकी जान भी खतरे में है, चाहे मनकीरत औलख की बात करें या मीका सिंह की बात करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।